श्री गुरु अंगद देव जी वालों सिख कौम नूं जिथे आत्मक रूप विच बलवान होण दा आदेश कीता गया तां उत्थे ही शरीरक तौर ते बलवान होण दी वी ताकीद कीती गई, जिस लई उन्हां वालों खुद वी मल अखाड़ियां दी शुरुआत कीती गई। इसे प्रथा ते चलदिआं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरसिख नौजवानां नूं खेडां वल प्रेरित करन लई खेड अकैडमियां चलाईआं जा रहीआं ने। अज श्रोमणी कमेटी की कबड्डी टीम श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होण पहुंची। इस मौके खिडारियों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह दी तामी वालों इनफॉर्मेशन दफ्तर विखे सम्मानित किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे धार्मिक तौर के उत्ते गुरद्वारा साहब के प्रबंध जिहड़े आ सजे कीते जांदे आ, उहदे नाल नाल एजुकेशन दे विच भी पूरा जिहड़ा आ उह योगदान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पाउंदी आ। इसे तरह लोकां दे माली सहायता दे रूप दे विच कोई गरीब गुरबिआं ते आफत आ जाए उहनां सारिआं दे विच अपना योगदान पाउंदी आ। ते इसे तरह पिछले लंबे समय तों इह भी इक गल चल रही सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना स्पोर्ट्स विंग भी बनावे, ते उहदे विच सब तों पहलां साडे कबड्डी की जिहड़ी उह टीम बतौर कोच भी साढ़े दो तीन अकैडमियां जिहड़ियां साडियां चलियां, ते नाल दी नाल इक हाकी दी भी ऐतकी असीं अकैडमी नवीं शुरू कीती आ। भावें पहलां भी उह चलदी सी पर मैं कह सकदा साढ़े इह बच्चे जिहड़े कबड्डी टूरनामेंट दे विच आ पिछला जिहड़ा सैशन सीगा उह सारे सैशन दे विच बहुत वड्डियां इन्हीं मल्लां मारियां, तकरीबन बहुत सारे टूरनामेंटां दे विचों ये अव्वल रहे आ। ते इहदे नाल नाल साडियां तीन बेटियां जिहड़ियां वह भी नैशनल तौर पर सिलेक्ट होईयां। मैं ये सारी जिन्नी भी कबड्डी साडी एक टीम आ इहनूं सारी नूं वधाई भी दिंदा ते कामना भी करदा कि जिदा पिछले समय दौरान इन्हां ने वख वख टूरना दे विच अपना टूरनामेंटां च वड्डा योगदान पाया, सो इहदे विच भी अगां भविख दे विच भी इसे तरह अपना जिहड़ा उह योगदान पाउंदे रहणगे। ते इसे तरह जिहड़ी साडी हाकी दी उह दो अकैडमियां साडियां चल रहीआं, साडी तीजी इक अमरगढ़ छन्ना पिंड दे विच है, तां उह CBSE दा स्कूल ही आ पर उस टर्फ दे हाकी दी उह ग्राउंड आ और बहुत सोहणी मेंटेनेंस आ। पंज पंज साल तों लै के 20-20 साल 22-22 साल दे बच्चे उत्थे खेडदे, ते उत्थे भी साडियां तीन कुड़ियां उस कॉलेज दीआं स्कूल दीआं उह नैशनल ते जिहड़ियां उह सिलेक्ट होईआं। छोमा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों इह सारे जिन्ने भी बच्चे नैशनल लैवल ते सिलेक्ट होए आ ते जिन्ने कबड्डी वाले आ साडे इर्द गिर्द खड़े सारे प्लेयर इन्हां ने कबड्डी दे टूरनामेंट मल्लां मारियां, सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई दिंदे। जिक्र खास है कि श्रोमणी कमेटी दीआं टीमां विश्व भर विच वड्डियां मल्लां मार रहीआं हन, ते इस बारे जानकारी दिंदिआं खेड सकत्तर सरदार तेजिंदर सिंह पड्डा वालों टीम नूं वधाई भी दित्ती गई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले समय स्पोर्ट्स विभाग की स्थापना की गई सी, जो लंबे समय तो वड्डियां मल्लां मारदा होया अज इस मुकाम ते पहुंचा कि साडा जिहड़ा नाम है वह इंडिया ते इंटरनेशनल पद्धर दे उत्ते जिहड़ा उह गूंज रहा। तो मैनू यह फखर आ भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी कबड्डी टीम है उस गुरसिख खिडारी जिहड़े आ खेड रहे आ, तो इन्हां ने शायद ही कोई टीम होगी जिन्हों नहीं हराया इस सीजन के सारिआं तों बेस्ट टीम जिहड़ी साडी हले परफॉर्म करती पई आ। तो मैं भविख च वी इन्हां दी कामना करदा वी चंगा खेडण ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम रोशन करन। इस तरह जिहड़ियां हाकी दीआं तीन अकैडमियां चलदियां उन्हां विच वी असीं नैशनल पद्धर ते जिहड़ा वा उह चंगीआं मल्लां मारियां। पिछले साल असीं थर्ड रहे सीगे, इस साल बैड लक लई असीं उह क्वार्टर फाइनल चों लूज़ कर गए, ते साडे बहुत ही अच्छे प्लेयर जिहड़े उहदे विच वी खेड रहे आ। ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नूं प्रॉपर डाइट, रहायश, लंगर, कोचिंग, एवरीथिंग जो भी है वह सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता, प्लेयर तो कोई इस तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता। इत्थे ही दसना यह भी लाजमी हो जाता है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां गुरसिख कबड्डी खिडारियों नूं नौकरियां भी दित्तियां गईआं हन। इस बारे जानकारी दिंदिआं खिडारियों ने श्रोमणी कमेटी का विशेष तौर पर धन्नवाद किया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਐਤਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਵੱਜੂਗਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਟ ਲਓ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ।